गुड मॉर्निंग, एक्सेल टेक्निकल क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडक्शन मोटर के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। आइए देखते हैं इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो ये है हमारा इंडक्शन मोटर का सिंपल सा फिगर है। इसको कहते हैं रोटर, ये हमारा स्टेटर, ये है इन दोनों के बीच का एयर गैप, इसे कहते हैं हम स्लॉट। इसका एक्चुअल फिगर हम आपको दिखाते हैं कैसे बनता है। ये देखिए, ये है इसका एक्चुअल फिगर, जहाँ पे हमारा ये है स्लॉट, इसे कहते हैं स्टेटर, ये इन दोनों के बीच का है एयर गैप, इसे कहते हैं रोटर। और रोटर को देखो, एक रिंग से क्या किया गया है, शॉर्ट सर्किट किया गया है यहाँ पे। तो आप लोग ये जान गए होंगे स्टेटर क्या है, रोटर क्या है, एयर गैप क्या होता है और स्लॉट क्या होते हैं। तो हम इसके सबसे पहले पार्ट के बारे में चलते हैं, आज जानते हैं इसके बारे में, स्टेटर के बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहली चीज़, ये किसका बना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडक्शन मोटर का स्टेटर किसका बना होता है। तो पहला क्वेश्चन होगा ये किसका बना होता है, ये बना होता है सिलिकॉन स्टील का। किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें, कि ये जो सिलिकॉन स्टील का जो इसका पत्ती बनी होती है सिलिकॉन स्टील की, उसकी मोटाई कितनी होती है। तो लेमिनेशन ऑफ थिकनेस कह सकते हैं, कितनी होती है वो होती है 0.3 mm से 0.65 mm तक होती है। ये नॉर्मली तुम्हें बुक में मिल जाएगा। ये तो दो बातें हो गई स्टेटर के बारे में। एक चीज़ और पूछ सकता है, इस स्टेटर के ऊपर एक फ्रेम बनता है जो ऊपर का कवर होता है। तो अगर मान लो वो क्वेश्चन पूछ ले कि जो स्टेटर का इसके ऊपर का जो फ्रेम होता है, ये किस चीज़ का बना होता है, इसका जो फ्रेम होता है ऊपर का, तो याद रखना इसका जो फ्रेम होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट बात करेंगे हम रोटर की। रोटर में देखते हैं कुछ चीज़ें। रोटर में देखने से पहले कुछ जान लेते हैं कि रोटर के टाइप कितने होते हैं। तो तीन टाइप के रोटर होते हैं यहाँ पे। पहला होता है हमारा कौन सा, स्क्वायरल केज। स्क्वायरल केज नंबर दूसरा कौन सा होता है, डबल स्क्वायरल केज। डबल स्क्वायरल केज और जो तीसरा हमारा होता है वो होता है फेज वाउंड। तो हमारे रोटर कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। पहला होगा हमारा स्क्वायरल केज, दूसरा होगा डबल स्क्वायरल केज, तीसरा होगा फेज वाउंड। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आप लोग देख लिए हैं कि रोटर कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के, ये तीनों याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं किस पे। अब भाई स्टेटर है, रोटर है, तो घूमने के लिए शाफ्ट चाहिए, क्योंकि तो किसी चीज़ पे तो घूमेगा, तो क्या होगा हमारा शाफ्ट होगा। तो जो शाफ्ट होगा हमारा, शाफ्ट जो शाफ्ट होगा, सबसे पहला कुछ क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि हमारा जो शाफ्ट होता है इंडक्शन मोटर का, वो बना किसका होता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो किस चीज़ का हमारा बना होता है ये शाफ्ट, ये कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है हमारा, कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। ये कैसा होता है अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, बना तो होता है कार्बन स्टील का, लेकिन कैसा होता है ये, तो स्टिफ होता है। कैसा होता है ये, स्टिफ होता है, इसको याद रखिएगा। ये तो हम लोग अभी इसके पार्ट के बारे में देखे हैं। अब आओ इसका थोड़ा सा बेसिक कंस्ट्रक्शन पहले हम लोग जान लेते हैं, क्या होता है इसका, वर्किंग क्या होती है। इसकी जो वर्किंग होती है वो सिंपल ट्रांसफार्मर की तरह होती है। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है, वैसे ही हमारा इंडक्शन मोटर वर्क करता है। ये हो गया इंडक्शन मोटर, इधर देख लो ट्रांसफार्मर। अब कंपेरिजन करते हैं दोनों में होता क्या है, अलग क्या होता है जो इंडक्शन मोटर कहलाता है हमारा। ये इसमें भी दो वाइंडिंग होती है, इसमें ट्रांसफार्मर हम आप लोग जानते ही हैं कि एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो इसमें भी अब इसकी कंपेरिजन करेंगे हम, इसमें इंडक्शन मोटर में कैसे कंपेरिजन करेंगे।
ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है उससे इंडक्शन मोटर में कहते हैं स्टेटर वाइंडिंग। क्या कहते हैं? स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की इंडक्शन मोटर में उसे कहते हैं रोटर वाइंडिंग। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखते हैं। अब इसमें जानते भी है कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो भी क्या होती है? फिक्स होती है, मतलब स्थिर होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग भी क्या होती है? एक स्थिर होती है। इंडक्शन मोटर में क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग फिक्स होती है, मतलब स्थिर होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें क्या होता है? वो मूव करती है। क्या करती है? घूमती है। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ कि इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर की तरह ही वर्क करता है। जैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग, वैसे इंडक्शन मोटर में स्टेटर वाइंडिंग। जैसे ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग, वैसे इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग होती है। बस अंतर केवल इतना होता है कि ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग फिक्स होती है जबकि इंडक्शन मोटर में सेकेंडरी वाइंडिंग अर्थात रोटर वाइंडिंग गति करती है। अब बात करते हैं इसमें कुछ और पॉइंट की। तो बात कर लिया जाएगा, मतलब तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई साहब कि अगर नो लोड की कंडीशन है, क्या है? नो लोड की कंडीशन है। तो नो लोड कंडीशन में पहला क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है पावर फैक्टर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पावर फैक्टर की बात किए हैं तो जाहिर सी बात है हमारा चाहे इंडक्शन मोटर हो चाहे ट्रांसफार्मर हो किस पे काम करता है? लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है हमारा ये। ठीक है, तो ये भी इंडक्शन मोटर किस में काम करेगा? लैगिंग पावर फैक्टर पे। तो बात किया जा रहा है इंडक्शन मोटर में नो लोड की कंडीशन में। तो नो लोड कंडीशन में जो पावर फैक्टर हमारा होता है 0.2 लैग होता है। कितना होता है? 0.2 लैग होता है। इसको आप लोग बेसिकली याद रखिएगा। अब हम देखते हैं इंडक्शन मोटर के वर्किंग के बारे में। तो वर्किंग में क्या लिखेंगे हम? ये हमारा रोटर है, ये स्टेटर है। तो सर्वप्रथम 3 फेज की सप्लाई किसको दी जाएगी? स्टेटर को दी जाएगी। तो 3 फेज की सप्लाई जब हम स्टेटर को देंगे तो स्टेटर में एक घूमने वाला क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी स्पीड क्या होगी? एनएस स्पीड से घूमेगा। वो किस स्पीड से घूमेगा? एनएस स्पीड से घूमेगा। तो जब एनएस स्पीड से घूमेगा तो हमारा जो यहाँ पे रोटर है उसके बाइंडिंग क्या करेगा? काटेगा। जब उसके बाइंडिंग को काटेगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ डेवलप होगा। ठीक है, जब ये एनएस स्पीड से घूमेगा भाई इसको काटेगा, जब काटेगा क्या डेवलप होगा इसमें? एक ईएमएफ डेवलप होगा। और वो उस ईएमएफ के कारण क्या होगा? इसमें करंट फ्लो होगी। और करंट क्यों फ्लो होगी भाई? क्योंकि सभी बाइंडिंग आपस में क्या की गई हैं? शॉर्ट सर्किट की गई हैं। तो क्लोज पाथ मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो इसमें क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। तो भाई जब इसमें करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? तो भाई साहब आप लोग जानते हैं, मान लो कोई कॉइल है, ठीक है, तो अगर मान लो उसमें पहले करंट नहीं फ्लो हो रही थी, अचानक करंट क्या होने लगी? फ्लो होने लगी। तो लेंज के नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं? यह उस कारण का विरोध करेगा जिससे ये उत्पन्न हुआ है। क्योंकि तो भाई विरोध तो कराएगा ही कराएगा। तो भाई साहब जब विरोध करेगा तो विरोध करेगा कैसे? करंट से थोड़ी विरोध कर लेगा इस फ्लक्स का। तो वो क्या करेगा? जो ईएमएफ के कारण इसमें जो करंट फ्लो हुआ है उसके द्वारा ये अपना एक फ्लक्स बनाएगा और उस फ्लक्स से इस एनएस स्पीड का विरोध करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मान लो कोई चीज़ इधर जा रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और कोई व्यक्ति इस पे आके बल लगा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, इस पे बल लगा रहा है इधर से। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर की ओर होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो मूव करने वाला डायरेक्शन है वो इधर भी मूव करेगा, इसको ले के भी मूव करेगा। कितने किलोमीटर स्पीड से? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो जब ये इसका फ्लक्स इसके फ्लक्स का विरोध करेगा तो एनएस ज़्यादा होगा, इसका जो फ्लक्स बनेगा वो क्या होगा? एनआर होगा। रोटर का जो स्पीड होगा फ्लक्स का वो है एनआर। तो वो जिस स्पीड से इसका विरोध करेगा ये क्या करेगा? इन दोनों के स्पीड के अंतर से क्या करेगा? इस रोटर को ये घुमाएगा अपनी अपनी दिशा में, क्योंकि ये इधर घूम रहा है रोटर को भी इधर घुमाएगा। जब रोटर को इधर घुमाएगा तो यहीं से हमारा डेवलप क्या होता है? टार्क। कब? जब ये और ए, मतलब एनएस तो पहले से था, ये नाव जाके इस एनएस का विरोध कर रहा है, मतलब जो इसका फ्लक्स है इसे कह सकते हैं फाई एस, इसको कह सकते हैं फाई आर। जो रोटर का फ्लक्स है जब स्टेटर के फ्लक्स का विरोध करेगा
तभी क्या डेवलप होता है, इसमें टॉर्क डेवलप होता है, और उसी टॉर्क के कारण हमारा क्या होता है, ये रोटर घूमना शुरू कर देता है। तो समझ में आया इंडक्शन मोटर की वर्किंग क्या होती है, कैसे घूमा ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ये पूछ सकता है तुमसे कि इसके घूमने की जो दिशा है वो किसके नियम से ज्ञात की जाती है। तो याद रखिएगा कि इसकी जो घूमने की जो दिशा है उसको हम लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम इसमें, अब वर्किंग तो आप लोग समझ लिए हैं कैसे कैसे वर्किंग होती है, थ्री फेज सप्लाई दिए ये सब उत्पन्न हुआ। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट हमारा और आता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। अब भाई ये बताइए कि ये फाई एस जनरेट हुआ स्टेटर में, फाई आर जनरेट हुआ रोटर में, अब मूव कर रहा है, इंडक्शन मोटर है, ट्रांसफार्मर में स्लिप नहीं होती थी, जानते ही हैं आप लोग इसको क्यों नहीं होती थी, क्योंकि इसका कोई भी पार्ट रोटेट नहीं हुआ था। लेकिन इसमें तो रोटर रोटेट कर रहा है, तो अगर रोटर रोटेट करेगा तो इसमें क्या डेवलप होगा, क्या उत्पन्न होगा, स्लिप उत्पन्न होगी। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट फिर निकल के आया है हमारा, क्या, स्लिप। अब हम लोग पढ़ते हैं स्लिप क्या होती है। तो स्लिप क्या होती है भाई साहब, अगर मोटर मान लो स्टार्टिंग कंडीशन है, स्टार्टिंग कंडीशन होगा तो भाई ये भी स्थिर रहेगा, ये भी स्थिर रहेगा, और मोटर हमारा कब तक नहीं घूमेगा, जब तक इसमें ईएमएफ नहीं जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होने के बाद इसमें करंट फ्लो होगी, फ्लक्स उत्पन्न होगा, इसका विरोध करेगा, टायर डेवलप होगा, तब ये घूमेगा। तब तक तो स्लिप क्या होगी, जब स्थिर रहेगा कोई भी चीज़ रोटेट कर रहा है नहीं, तो स्थिर का मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग कंडीशन, क्या कहा जाता है उसे, स्टार्टिंग। स्टार्टिंग हमारा स्लिप क्या होगा, स्थिर है तो वन, स्टार्टिंग हमारा स्लिप क्या हो गया, वन हो गया, मतलब स्थिर है। अब जैसे जैसे घूमना शुरू करेगा स्लिप का मान एक से कम होना शुरू करेगा। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन फिर बनता है आपके लिए, क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि नो लोड कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में हमारा इंडक्शन मोटर का स्लिप क्या होगा। भाई नो लोड मतलब इस पर कोई लोड नहीं दिया गया, चल रहा है, तो भाई अगर चल रहा है स्लिप किससे कम होनी चाहिए, एक से, क्योंकि स्थिर फिर कितना था, एक था, तो अगर चल रहा है चाहे नो लोड पे चाहे जो भी है चल रहा है तो किससे कम होना चाहिए, लेस देन 1%, किससे कम होना चाहिए, 1% से कम होना चाहिए। ये बात आई समझ में। एक चीज़ और बढ़ाएं बताएं आपको, अगर मान लो जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा स्लिप का जो परसेंट है ना ये बढ़ता जाता है, तो अगर लोड थोड़ा सा बढ़ेगा स्लिप 1 से 2% हो जाएगी, पहले तो 1.5% होगी, उससे ज़्यादा लोड बढ़ेगा 2%, उससे ज़्यादा लोड बढ़ेगा 3%, उससे ज़्यादा लोड बढ़ेगा 4%, उससे ज़्यादा लोड बढ़ेगा तो 5%, इस प्रकार से हमारा स्लिप क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो नो लोड की कंडीशन में स्लिप किससे कम होनी चाहिए, 1% से कम होनी चाहिए। और अगर क्वेश्चन यहीं पर एक और तुम्हारा बन सकता है जो एग्जाम में पूछ सकता है कि मीडियम साइज का इंडक्शन मोटर है, क्या क्वेश्चन बन रहा है, मीडियम साइज का इंडक्शन मोटर है तो स्लिप कितना होगा, पूछ सकता है ये क्वेश्चन, तो कितना होगा, 4%, किसके लिए, मीडियम साइज के लिए, मीडियम साइज के लिए स्लिप कितना होगा, 4% होगा, इसको आप याद रखिएगा। ये तो हो गया स्लिप के बारे में, एक और चीज़ आते हैं, स्लिप होती क्या है, अभी मैंने बताया था स्लिप क्या होती है। इसमें देख लीजिए कि जब भाई यहाँ से हमारा एन एस स्पीड से ये घूम रहा है इसका फ्लक्स, एन आर स्पीड से हम क्या कह सकते हैं, रोटर का फ्लक्स घूम रहा है चाहे रोटर घूम रहा है, ठीक है, इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं, हम स्लिप कहते हैं। तो स्लिप इक्वल टू क्या हो जाएगा देखते हैं, तो स्लिप हमारा क्या हो जाएगा, एन एस माइनस एन आर, ये क्या हो गया हमारा, अभी ये उसकी स्पीड आई है, स्लिप निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, एन एस से भाग देना पड़ेगा, अब जो आएगा हमारा क्या कहलाएगा, वो स्लिप कहलाएगा, ठीक है। तो स्लिप की परिभाषा हम यहाँ से दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड तथा रोटर स्पीड के अंतर में अगर हम सिंक्रोनस स्पीड से भाग दे देते हैं तो प्राप्त मान को क्या कहलाता है, इंडक्शन मोटर की स्लिप कहलाती है। अब अगर हमसे पूछ लिया भैया परसेंटेज स्लिप क्या होगी, क्वेश्चन पूछ सकता है परसेंटेज स्लिप क्या होगी, तो भाई जाहिर सी बात है जो फार्मूला है उसी में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या निकल आएगा,
स्लिप निकल आएगा। और स्लिप का एक और फार्मूला होता है, आप लोग उसको याद रखिएगा कि परसेंटेज स्लिप इक्वल टू क्या होता है, यफार अपान या पूरे 100। ये कहाँ, ये कैसे होता है, ये जो यफार होता है वो रोटर की फ्रिक्वेंसी है, जो यफ होता है वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ से भी एक हम फार्मूला बना सकते हैं या परिभाषा बना सकते हैं कि रोटर की फ्रिक्वेंसी तथा सप्लाई फ्रिक्वेंसी के अनुपात को स्लिप कहते हैं। ठीक है, तो स्लिप के दो फार्मूले हुए, आप इसको याद रखिए, दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक और फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, एन एस मतलब सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है 120 एफ अपान पी निकालने का। अब आगे आएंगे हम टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर। तो भैया टाइप कुछ होता नहीं है, जितने प्रकार के हमारे रोटर होते हैं उन्हीं को हमने टाइप दे दिया इंडक्शन मोटर पे। तो कितने टाइप हमने रोटर पढ़ा था, 3 टाइप के रोटर पढ़ा था, कौन कौन से एक बार रिवाइज कीजिए, स्क्वायरल केज, डबल स्क्वायरल केज और फेज वाउंड। और फेज वाउंड का एक नाम और है, आप चाहे वहाँ पे पीछे लिख लीजिएगा, उसे स्लिप रिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लिप रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों मोटर का नाम लिख देते हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो पहला क्या होता है, स्क्वायरल केज। तो हमने तीनों नाम लिख दिया है, पहला है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरा डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, तीसरा स्लिप रिंग या फेज वाउंड इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो क्रम वाइज हम इसकी चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि अभी हम टाइप पे नहीं जाएंगे, अभी हमको ये सब जानना है। अभी हमने क्या जान लिया है, इंडक्शन मोटर वर्क कैसे करता है, इंडक्शन मोटर घूमता कैसे है, उसमें स्लिप उत्पन्न होती है, उसमें टार्क डेवलप होता कैसे होता है, ये भी मैंने बता दिया। तो टार्क जो आएगा ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल है इंडक्शन मोटर का। अब टार्क में भाई साहब कई टार्क हो सकते हैं, क्योंकि तो अब हमारा अगला जो टॉपिक हो क्या होगा, वो टार्क ही होगा। तो टार्क में क्या हो सकता है हमारा, मैक्सिमम टार्क, क्या क्या पूछ सकता है, मैक्सिमम टार्क, उसके बाद स्टार्टिंग टार्क, उसके बाद रनिंग टार्क पूछ सकता है हमारा। ठीक है, टार्क कितने हो गए, मैक्सिमम टार्क हो गया, स्टार्टिंग टार्क हो गया, रनिंग टार्क हो गया, है। तो भैया सबसे पहले इंडक्शन मोटर के लिए पहले टार्क का फार्मूला डिराइव करो, फिर स्टार्टिंग टार्क क्या होगा, फिर रनिंग टार्क क्या होगा, फिर मैक्सिमम टार्क क्या होगा, उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्सिमम टार्क और स्टार्टिंग टार्क में संबंध बताइए, या मैक्सिमम टार्क या रनिंग टार्क में संबंध बताइए, या स्टार्टिंग टार्क रनिंग टार्क में संबंध बताइए। कितने सारे डेरिवेशन हो जा रहे हैं। तो हम अब जो टार्क टॉपिक है हमारा इंडक्शन मोटर का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करेंगे, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है टार्क का। हम उसमें टार्क का डेरिवेशन करेंगे, टार्क का डेरिवेशन के बाद मैक्सिमम टार्क, स्टार्टिंग टार्क, रनिंग टार्क को पूरे डिटेल में डेरिवेशन के साथ समझेंगे। बाकी टार्क क्या होता है ये तो आप लोग जान ही लिए इंडक्शन मोटर में। ठीक है, धन्यवाद। आई होप आपको अगर ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कहीं पे भी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।